नॉन चैनल दिखे रहा हार्ड डिस्क जा रहा है और फिर आ रहा है, इसको हार्डवेयर ही कैसे ठीक करना है उसी को दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। हाँ, देख सकते हो कि मेरा सिस्टम मैंने खोला हुआ हूँ। देखिए अंदर कितना गंदगी भरा है, पहले इसको साफ़ करना है, ठीक है। पहले इसके ऊपर एक कवर लगा होता है, उसको मैंने निकल दिया है पहले से ही। अभी इसको हार्ड डिस्क का केबल सब निकालना है, ठीक है। ये पावर केबल है हार्ड डिस्क का, ठीक है, और इसको बोलता है साटा केबल। ओके, एक मिनट दिखाता हूँ। इसका पावर केबल सब निकाल दिया। इसके अंदर ना इसी का ही ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, ये केबल शटा केबल इसको बोलते हैं। इसका अंदर अगर कार्बन ऐसे कुछ मैला जमा हो गया इसमें से प्रॉब्लम होता है। ये देखिए सब निकाल दिया हूँ। उसके बाद आपका सिस्टम थोड़ा बहुत स्लो भी होता है तो इसी के कारण में ही होता है, ठीक है। इसका प्रोसेसर, इसका रैम थोड़ा आपको क्लीन करना है, ठीक है। ये देखिए सब निकल दिया हूँ, पावर केबल, शटर केबल, ठीक है। इसका पावर केबल भी निकल देता हूँ, ये देखिए, ठीक है। उसके बाद जूम कर, इसका जो प्रोसेसर होता है ना, प्रोसेसर का जो एक फ़ैन है उसको मैं निकालता हूँ। उसके बाद फ़ैन को निकालना ऐसे, इसको थोड़ा स्मूथली ऐसे घुमाना है। ये देखिए घुमा रहा हूँ, ये है ना, इसको ऐसे घुमाना है, घुमा के ऊपर स्लाइटली इसे खींचना है तो आसानी से निकल आएगा। तो मैं निकाल दिया हूँ, ये फ़ैन है, देखिए अंदर कितना गंदगी भरा है। जूम कर और देखिए कितना मैला भरा है, ठीक है। इसको पूरा प्रॉपरली साफ, आपको साफ करना है। ये देखिए प्रोसेसर में निकाल रहा हूँ, ठीक है। ये हमारा प्रोसेसर है, ये रखता हूँ इधर। इसके बाद ये होता है हमारा रैम, मेरा दो रैम है, किसी का एक होता है तो मेरा दो रैम है, तो मैं दोनों को ही निकाल दिया हूँ। उसके बाद आपका यहाँ प्रेशर छोटा बहुत, मतलब जैसे साइकिल में हवा डालने के जो प्रेशर होता है ना उसी को यूज करना है, ज़्यादा नहीं थोड़ा थोड़ा यूज करना है। मैंने साइकिल का पंपर लाया हूँ, ठीक है, इसको मैं यूज करूँगा। ध्यान रहे कि पंपर के अंदर कोई, मतलब ये देखो इसके अंदर से ये पानी निकल रहा है, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये देखो पानी निकल रहा है, तो इसके क्या करना है, इसके आगे एक कपड़ा डालिए, इसके आगे कपड़ा डालने से वो पानी नहीं निकलेगा, ठीक है। इसको ये हमारा रैम है, इसको मैं ऐसे ब्रश से थोड़ा हल्का हल्का से को क्लीन करना है। ओके, इसमें क्या होता है कि कोई आगे आपका दिक्कत ना हो, ठीक है। इसके बाद जो इधर जो कनेक्टर है ना, ये जो कनेक्टर है ना, इसको आपको क्लीन करना है। किससे? ये पेंसिल है, पेंसिल का रबर है इसमें, ठीक है। थोड़ा हल्का हल्का से आपका ध्यान रखना चाहिए और हल्का से आपको क्लीन करना है। देखिए कैसे क्लीन हो रहा है। ये हमारा रैम
हो गया है, क्लीन हो गया है। और अब बारी है प्रोसेसर की, ठीक है। प्रोसेसर के भी वही सेम प्रोसेस है, इसको आपको क्लीन करना है। ऊपर चला रहे जगह, ये हमारा प्रोसेसर है। ध्यान रखें कि इसके अंदर जो ये डाइट फाइट लगा है, जो किट लगा है, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आपको ध्यान रख के इसको ये करना है, ठीक है। लो, ये भी सफा हो गया, क्लीन हो गया ये भी, तो इसको रख देता हूँ। आखिरी बारी है ये फैन की। देखिए अंदर कितना गंदगी भरा है, देखो कितना डस्ट है, देखिए, ठीक है। इसको हम कैसे प्रेशर से अब इसको क्लीन करना है, ठीक है। मैं प्रेशर लाता हूँ, देखिए इससे प्रेशर से कैसे क्लीन करना है। यह है प्रोसेसर, तो इसको पहले प्रोसेसर को फिट करना है आपको। लीजिए प्रोसेसर फिट हो गया, इसको ध्यान रख के सिंपली ऐसे आपको फिट करना है कि ज़्यादा प्रेशर ना दीजिए, ठीक है, क्योंकि मदरबोर्ड बहुत नाजुक होता है। उसके बाद रैम है, रैम को भी सेट कर लीजिए। आपका रैम सेट हो गया, मेरा तो 2 है। रीसेट हो गया। उसके बाद फैन, आपका फैन को फिट करना है। ये पावर केबल है फैन, फैन का। ये हमारा प्रोसेसर का सेटिंग हो गया। प्रोसेसर का पावर लगाना हो, प्रोसेसर का फैन का पावर है, सॉरी, लगा दिया। उसके बाद आपको लगाना है मेन, ठीक है, मेन पावर का। फैन भी लग गया। ठीक से अंदर जाना चाहिए इसका। बस सेट हो गया, ये थोड़ा टाइट है मेरा। तो आपका सेट हो गया। इसके मेरा तो 2 हार्ड डिस्क है, जितना हार्ड डिस्क कम होता है उतना हमारा सिस्टम का पावर सप्लाई में दिक्कत कम होता है, ठीक है। मेरा तो 2 है हार्ड डिस्क। यह शटर केबल फिर से खोला था, उसको लगा रहा हूँ, ठीक है। ये सीडी में पहले लगा दिया हूँ, मेरा सीडी ड्राइव में। उसके बाद सीडी में पोर्ट 4 में लगाने भी होगा, मेरा तो 4
फोर जैक है, तो मेरे तो तीन है, इसमें तीन में लगा देता हूँ। ठीक है, तीन में लगा दिया हूँ। इसके बाद मेरा एक हार्ड डिस्क में जिसमें लगा है सिस्टम सॉफ्टवेयर, जिसमें अपडेट सिस्टम सॉफ्टवेयर जिसमें इंस्टॉल हुआ है, उसको मैंने जैक जीरो में लगाता हूँ। ठीक है, क्योंकि उसमें लॉगिन होने में आसानी हो। दूसरा हार्ड डिस्क पे भी लगा दिया हूँ। बस ओके, इसके बाद इसको पावर केबल लगाना है। ठीक है, इसको पावर केबल है, ये पावर केबल को लगाना है। देखिए पावर केबल लगा रहा हूँ हार्ड डिस्क का। चलो हो गया। उसके बाद दूसरा हार्ड डिस्क भी लगाता हूँ। चलो सब फिट हो गया। ये पावर सप्लायर है और जो जिसमें वीडियो का हमारा एलसीडी का जो प्रॉब्लम इसमें दिखाता है। ये भी लगा दिया हूँ। ओके, सब कुछ प्रॉपरली, तो मैं इसको फाइनली कंप्यूटर में इंस्टॉल करना है, मतलब फिट करना है। ठीक, हाँ मेरा सिस्टम अभी इंस्टॉल किया हूँ, इसको ऑन करना है। ठीक है, अभी ऑन हो रहा है, देखिए। ठीक है, बस मेरा सिस्टम ऑन हो गया। और देखिए पहले जो प्रॉब्लम है वो अभी नहीं दिखाई देगा। ठीक है, ये गया मेरा सिस्टम में। बस देखिए ये चार ड्राइव मेरे को आ नहीं रहा था, ये है कि ये हार्ड डिस्क, एक हार्ड डिस्क में मेरा चार ड्राइव है। ठीक है, तो अब देखिए मेरा सिस्टम भी स्पीड हो गया है और कोई दिक्कत भी नहीं है। देखिए बस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा है आप लोगों को तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए और सब्सक्राइब न करना ना भूलिए प्लीज़।